मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल दोपहर में एक इमारत की पेंटिंग करने के दौरान पेंट करने वाले एक मजदूर की चौथे मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मामला मुंब्रा के भारत गेर खरडी रोड का है। कल दोपहर करीब 2:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। मोहम्मद अशरफ 40 वर्षीय निर्मल नगर नामक एक 7 मंजिला इमारत का पेंटिंग का काम कर रहे थे, जिसकी चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक का बेटा मोहम्मद रिजाउल भी मजदूरी करता है। जैसे 4 मंजिला इमारत से अशरफ नीचे जमीन पर गिरा, फौरन उसे उठाकर कालशेखर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अशरफ मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने परिवार के साथ मुंब्रा के सैनिक नगर में रहता था। इस मौत से पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि अशरफ ही अकेला घर का कमाने वाला जिम्मेदार था। पेंटर आखिर कैसे गिरा? क्या इसमें कोई साजिश तो नहीं है? पेंटिंग करने के दौरान सेफ्टी बेल्ट लगा रखी थी, तो फिर सेफ्टी बेल्ट निकाल क्यों दिया? जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने पंचनामा कर शव को कब्जे में ले लिया। वहीं पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कौन है? मेरा अब्बू है। तुम्हारा अब्बू है? हाँ। कैसा हुआ, तुमको बताया ये लोगों ने? नहीं। क्या करते हैं तुम्हारे अब्बू? पेंटिंग काम करते। पेंटिंग काम? तुमको कभी खबर लगी? 5:30 बजे। 5:30 बजे पता चला? हाँ। क्या बोले? बोले क्या तुम्हारा अब्बू हॉस्पिटल में है? हाँ। बोला मैं आया यहाँ, ऑटो पकड़ के चला आया, हॉस्पिटल का नाम बोला। यहाँ कहाँ रहते हैं? मुंब्रा में? सैनिक नगर में रहता हूँ। अच्छा। सर झूला मतलब वो पकड़े हुए थे, ऊपर से काम करके नीछे आ रहा था, और छज्जा था, छज्जा में उतर के फिर मतलब उतर जाता था झूला से, फिर जब वो काम छज्जा में उतर के करता था, और उसके बाद फिर छज्जा पे वो बोल के चढ़ जाता था, और उसके बाद फिर नीचे आने के बाद बोलता है अरिया दो, फिर मैं अरिया देता हूँ, फिर नीचे छज्जे पर आया, और उसके बाद जो है वो काम कर रहा था, उसके बाद झूला पर क्या हुआ कुछ बोला ही नहीं, बस डायरेक्ट फिसल के झूला के साथ चले आए। कितने माले से गिरे? और 4 माले से। 4 माले से। सेफ्टी वगैरह नहीं खोलने थे? सेफ्टी के साथ खोल दिया था। ओ हाँ खोल दिया था। कितने बजे की ये घटना है? 2:30 बजे की। उसके बाद आपने क्या किया, मतलब किसको इन्फॉर्म किया? फिर मैं नीचे आया, पहले तो उसको ही पकड़ा, उसके बाद भाई को फोन किया गया, भाई ने बोला चलो जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर के एक ऑटो किया। बड़ा मौलाना साहब, जो जिससे पूछिए जो पकड़े, जो झूला पकड़े हुआ था ना फिरोज भाई, बस वो किया मिस, झूला वही छोड़ा, और ये लोग झूठा है। अभी क्या बोला, मैं आकर के पूछा कि तू अभी तक बाप को खबर नहीं किया, बच्चा मर गया, तो बोलता कि मेरा बाप गांव में है, अभी इसका बाप जो है ना कौसा मार्केट में है। वहीं हादसे में मृतक के साथ काम कर रहे और पेंटरों से भी पूछताछ जारी है। कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर को भी हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, आखिर पूरा सच क्या है, पेंटर कैसे 4 मंजिला इमारत से गिर गया, या फिर कोई साजिश है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस जांच पूरी होने पर ही सच सामने आएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।